हे दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं प्रसाद विद्वारक, आपकी तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक। और हाल ही में मैंने YouTube से रिलेटेड जितने भी मेरे काम होते हैं उसके लिए एक खास पीसी सेटअप किया है। तो अगर आप आमतौर पे आजू बाजू में देखेंगे तो ऐसे स्पेसिफिकेशन वाला पीसी आपको मुश्किल से ही देखने मिलेगा। करीब करीब 1,25,000 का कम्प्लीट सेटअप है। और इस सेटअप से रिलेटेड मैं एक वीडियो सीरीज बना रहा हूँ। तो कम्प्लीट जानकारी जानने के लिए कि आपको पीसी कैसे खरीदना होता है, वहां से लेकर के इंस्टॉलेशन से लेकर के बेंचमार्क्स तक मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए योर इंडियन कंज्यूमर को। योर इंडियन कंज्यूमर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवरक्लॉकिंग के बारे में। ओवरक्लॉकिंग एग्जैक्टली होता क्या है। अभी जब मैं पीसी खरीदने गया, मुझे भी एक क्वेश्चन आया था कि कुछ प्रोसेसर होते हैं जो ओवरक्लॉकेबल आते हैं, कुछ होते हैं जो ओवरक्लॉक नहीं कर सकते या उनकी वारंटी वॉइड हो जाती है। तो ओवरक्लॉकिंग ये कंप्लीट चीज क्या होती है, तो मैं आपको ये चीज समझाना चाहूंगा। तो अगर आप कंसिडर करें आपका टैबलेट, सेलफोन या CPU, इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं उनमें प्रोसेसर आते हैं। और जब ये टर्म प्रोसेसर आती है, आप देखते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो नॉर्मली फोन लेते वक्त भी आप देखेंगे कि कितना मेगाहर्ट्ज का फोन है, 2 MHz, 2.2 MHz। तो ये जो सारे प्रोसेसर्स होते हैं वो साइकिल्स में काम करते हैं और साइकिल्स पर सेकंड इस फ्रीक्वेंसी। तो जो ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरर क्लेम करता है कि प्रोसेसर 4 MHz का है, तो आप उसको खींच के 4.4 4.5 MHz तक ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी एकदम 8 या 9 कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल अगर आपको वो एक्स्ट्रा पुश किया आपके प्रोसेसर से, तो 0.4 0.5 MHz की फ्रीक्वेंसी भी काफी मैटर करती है, स्पेशली वीडियो रेंडरिंग में, एडिटिंग में, गेमिंग में काफी मैटर करती है ये सब चीजें। पर अगर आप ओवरक्लॉक कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ चीजें होती है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप ओवरक्लॉक कर रहे हैं तो वोल्टेज कंजम्पशन बढ़ेगा आपके प्रोसेसर का। मैं रेकमेंड करूंगा कि ऐसा प्रोसेसर लीजिए जो कि बाय डिफॉल्ट ओवरक्लॉकेबल सेटिंग के साथ आता है, जैसे कि इंटेल की के सीरीज है। तो ये जो के सीरीज है इसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं, आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी और बिल्कुल प्रोसेसर अच्छी तरह से चलेगा। ओवरक्लॉकिंग के साथ दूसरी चीज जो आती है वो है हीटिंग। तो वोल्टेज कंजम्पशन के साथ हीट बढ़ेगी, तो जो आपका कूलिंग यूनिट है सीपीयू के अंदर, वो आप ऐसा सिलेक्ट कीजिए कि आपको ज्यादा हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं हो। मेरे हिसाब से रेकमेंडेड टेम्परेचर सीपीयू का आपका 60 से 65 है। अगर 65 के ऊपर जा रहा है, 70-75 के ऊपर जा रहा है, तो दैट इज टू मच हीट। तो आप देखिए आपका कूलिंग सिस्टम कैसा है, उसके हिसाब से आप सोचिए ओवरक्लॉक करना है या नहीं करना है। आप अगर मोबाइल फोन्स की बात करें तो कुछ ऐसे ऐप्स आते हैं जो कि उसके प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कर सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। पर अगर हम डेस्कटॉप सीपीयू की बात करें तो ये चीज इतनी आसान नहीं होती। आपको देखना पड़ता है कि आपका जो मदरबोर्ड है उसमें ओवरक्लॉकेबल एबिलिटी होनी चाहिए, वो स्पेसिफिकेशन उसमें आनी चाहिए, तभी जाके आप अपने सीपीयू को ओवरक्लॉक कर सकते हैं। और आखिर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका प्रोसेसर ओवरक्लॉकेबल प्रॉपर्टी नहीं देता है बाय डिफॉल्ट, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको ओवरक्लॉक मत कीजिएगा जब तक उसकी वारंटी है, क्योंकि वारंटी वॉइड हो सकती है ये चीज करने से। अगर वारंटी पीरियड खत्म हो चुका है और आप चाहते हैं वो एक्स्ट्रा बूस्ट, वो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आपकी सीपीयू से, तो बिल्कुल जाके ओवरक्लॉक करिए। तो ये थी सारी बेसिक चीजें ओवरक्लॉकिंग के बारे में। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको ओवरक्लॉक करना है या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगा है तो शर्माइए मत, डिसलाइक कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। याद रखिए, टू सर्व बिफोर यू स्वाइप, एंड इफ यू डोंट नीड यू डोंट बाय। मैं प्रसाद वेदपाठक आपसे विदा लेना चाहूंगा, फिर मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।